पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से चली स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली पहुंच गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन प्लेटफार्म पर लग रही है और तमाम लोग अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से ट्रेन आई है, कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है। आप देख सकते हैं जो लोग ट्रेन पर सवार हैं वो सारे के सारे लोग मास्क लगाए हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे ट्रेन रुके और कैसे वो नीचे उतरे। ये ट्रेन पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से चली थी। जो भी यात्री इसमें सवार हुए थे उनकी सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें ट्रेन पर बैठने दिया गया था और वहाँ से जब ये ट्रेन अपने नियत समय पर चली तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अपने नियत समय पर पहुँच गए। तमाम लोग एक एक करके गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया और जब वो नीचे आ गए उसके बाद जब स्टेशन से बाहर जाने का मौका आया तो फिर एक बार उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनकी जांच करने के बाद ही उन्हें बाहर जाने दिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की 15 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं। जब ये यात्री अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर इनकी जांच करके इनको बाहर जाने दिया जाता है और इस बात की तस्दीक की जाती है कि कहीं उनको फीवर तो नहीं है। तो ये जांच आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चल रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैक्सिमम एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है वो 7 दिन का है और ट्रेन के अंदर कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल अपना खाना आपको खुद ही ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेन के अंदर चादर, तकिया, कंबल नहीं दिया जा रहा है और ट्रेन के अंदर पर्दे भी नहीं लगे हैं। कुल मिलाकर पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों को सेफ्टी के साथ उनके डेस्टिनेशंस पर पहुंचाया जाए, उनके घर पहुंचाया जाए। और अगर रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे कहीं ना कहीं एसेंशियल सर्विस है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे वो घर जाएं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। साथ ही साथ रेलवे इससे बहुत कुछ सीख ही रहा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आपको यात्रा करनी पड़ेगी। कोरोना वायरस संक्रमण की जब हम बात करते हैं तो हर एक स्टेशन पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क आपको लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी और साथ ही साथ एक समय में ढेर सारे लोग प्लेटफार्म पर अलाउ नहीं किए जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्था आने वाले दिनों में भी लागू रहेगी।